अगर आप कभी पूरे दिन में जैसे थक जाते हैं ना, कहीं बहुत काम करके या किसी भी वजह से आपको अगर बहुत ज्यादा थकावट लग रही है, आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि बॉडी दुख रही है और नींद नहीं आने का नाम ले रही है, अगर आपको कैल्शियम की वजह से और आयरन की वजह से बॉडी में दर्द होता है और हमें नींद नहीं आती, तो उसके लिए दोस्तों ऐसे करा करो। यानी कि तो दोस्तों इसके लिए आपने छुहारे लेने हैं और उसको अच्छे से वॉश करके उसका पानी फेंक देना है, और फिर उसमें और पानी, साफ पानी होना चाहिए फिल्टर वाला, क्योंकि जब वो फूल जाएंगे छुहारे उसमें जो वो पानी होगा उसको फेंकना नहीं है। उसी में जब छुहारे हम भेने रख रहे हैं तभी आपने तिल भी डाल देने हैं बराबर के, जितने छुहारे हैं उससे थोड़े से ज्यादा तिल डाल दें और वो भी भीगे रखे रहेंगे, उसको बाहर ना रखें, फ्रिज में रख दें, क्योंकि बाहर रखोगे तो खराब हो जाएंगे, ठीक है। और उसको एक डेढ़ दिन तक भीगे रहने दें, और उसमें दोस्तों फिर वो छुहारे इतने मोटे मोटे हो जाते हैं फूल के, उसको फिर बिल्कुल बारीक बारीक आपने कट कर लेने हैं और वो बहुत ही आसानी से कट जाएंगे, क्योंकि वो फूल गए हैं छुहारे, ठीक। ये जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये बिल्कुल बारीक बारीक इसी तरह से मैंने करा है, छुहारों को भेके रख दिया था, ठीक है। और फिर क्या कि मैं बारीक बारीक काट के इसी पानी में, और तिल भी जब भी पहले ही डाल दिए थे जब छुहारे भिगोए थे, तो हमारे तिल भी और छुहारे भी फूल गए हैं, ठीक है। और फिर इसमें दोस्तों हमने जब भी हम रात को जैसे दूध लेते हैं तो एक गिलास या पौना गिलास, जितना भी आधा गिलास दूध डाल लें, और इसमें से थोड़ा सा ये दो चम्मच तीन चम्मच जो जितना भी आप चाहते हो उतना ये डाल लें तिल और छुहारे, ठीक है। और इसी में से थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इसका मीठा पानी हो जाता है, बचता है जो छुहारों का पानी, छुहारे जिसमें हम भिगोते हैं ना, ये बहुत मीठा पानी होता है, बहुत ज्यादा मीठा, थोड़ा सा भी डालोगे तब भी हमारा पूरा दूध मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अच्छे से सिम फ्लेम पर पकने रख दें, खूब पकते रहने देना, क्योंकि कड़ते रहे, जितने ज्यादा कड़ेंगे उतना ज्यादा खाने में इतना मजेदार लगेगा दोस्तों कि पता नहीं क्या चीज, हम बहुत ही बढ़िया चीज कुछ खा रहे पी रहे हैं। और दोस्तों आपकी सच में गहरी इसे पी के खा के, खाना खाने के आधे घंटे एक घंटे के बाद इसको पिए, ठीक है, रात को, ठीक है, रात को एक घंटे के बाद। सुबह आप नाश्ते में, फिर जैसे नाश्ते से पहले भी इसको ले सकते हो, आपकी मर्जी पर ही हो, जैसे दोस्तों रात को अगर इसे आप इस तरह से इसको पी के खा के सोओगे ना, आपको इतनी मजेदार नींद आएगी, आपकी जो बॉडी में दर्द था, जो भी थकावट थी, जो भी टायर्डपन था, आपका सारा बिल्कुल फ्रेश लगेगा आपको, और दर्द वर्द पूरा हल्का, पूरी बॉडी ऐसी हल्की लगेगी, सच में कह रही है इतना असरदार है। क्योंकि दोस्तों ये इतना पावरफुल नुस्खा, रेमेडी कुछ भी आप समझ सकते हो दोस्तों, ये इतना पावरफुल नुस्खा है, इससे आप खुद अमेजिंग भी कर सकते हो दोस्तों। छुहारे जो होते हैं वो आयरन खून बनाते हैं, समझ गए, और बार बार जो सुसु आता है ना रात को, जिसे पता है इसमें दो दो फायदे हैं आपको, बार बार जो सुसु करते हैं ना उठकर नींद खराब होती है, तो आपको बार बार सुसु भी नहीं आएगा, समझ गए, और आपको इतनी मजे की नींद, इतने ताकतवर होते हैं दोस्तों छुहारे। और जो तिल होते हैं ना दोस्तों, तिलों में बहुत ज्यादा भर भर के कैल्शियम होती है, समझ गए, जो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की वजह से दर्द हो रहा है तो उस दर्द को खत्म कर देंगे वो जो तिल है, तो इतनी मजेदार नींद, इतनी ऐसी थकावट दूर हो जाएगी, इतना सुबह को इतना फ्रेश आपको लगेगा, अगर आप इसे करके ऐसा करके देखो भाई, आजमा कर देखोगे, मेरा कोई भी नुस्खा, कोई भी फार्मूला, कोई भी ट्रिक टिप्स बता रही हूँ जो मैं, तो आपको जब ही पता चलेगा ना दोस्तों कि भाई मैंने क्या बताया है ना, इसको आजमा के करके देखो ना दोस्तों, ये कोई ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल है ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ही खाने पीने की चीजें हैं भाई, तरीके बता रही हूँ कैसे क्या है ना, अलग अलग सबके सभी बताते हैं, पर अपना अपना सब पर अलग अलग नॉलेज होती है भाई, अपनी अपनी सबकी है ना, सब पे होती है नॉलेज, पर थोड़ी सबकी अलग अलग होती है। यानी कि जैसे दोस्तों तो आप 10 लोगों से चाय बनवाओ और 10 लोगों के हाथ की चाय पियो, सबकी चाय का टेस्ट थोड़ा 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 अलग होगा, सबकी सब्जी का टेस्ट थोड़ा 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 अलग होगा, ठीक है, तो ये बात होती है ना। तो दोस्तों इसे आप ऐसे इसे करके देखना, और ये जानकारी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, नेगेटिव कमेंट कुछ भी ना करें, पॉजिटिव कमेंट करें दोस्तों। हर इंसान वैसे ही जिंदगी में, हर इंसान परेशान है, कभी सोचो, कभी आप सोच रहे हो ना खुद आप ही परेशान हो, हर इंसान परेशान है, तो कभी भी किसी को भी अगर तुम पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी, इसलिए कह रही हूँ कि भाई ना किसी से चिड़ो जलो, ठीक है, और सब ठीक ठाक रहें, सब एक दूसरे के लिए दुआ करो, खुश रहो, सभी खुश रहें, हमें ऊपर वाला खुश रखे, सभी को रखे, ठीक है दोस्तों।
मुझसे जुड़े, मैं बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सेहत और स्किन ब्यूटी से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो डालती रहती हूँ, जो सभी को बहुत ही पैसे बचाने वाली होती हैं, बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही यूजफुल होती हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ये कह रही हूँ। तो इसलिए वीडियो का बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। क्या हो गया, लाइक नहीं कर सकते, बड़ा कुछ लगता है इसमें यार, इतना सा कुछ भी नहीं लगता एक दूसरा भी, है ना। दोस्तों आपका एक लाइक बड़ी खुशी देता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो सोचो अगर मैं बंदा कोई हमारी वजह से कोई खुश होता है तो उसकी खुशी हम पर लौट के आती है, यानी कि मैंने कहा ना कि अगर पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, इसलिए कह रही हूँ प्लीज कर दिया करो लाइक, ठीक है। और दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें जाके, उसका लिंक मैं इंस्टाग्राम का अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। वहां जाके पता लग जाएगा कि मैं आपको वहां पर क्या क्या डालती रहती हूँ, ठीक है। तो वहां पर जरूर फॉलो करें जाके, और वीडियो को बिना लाइक करे ना चाहे, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले दोस्तों मैंने एक गठिया के बाई बादी के दर्द के लिए वीडियो यानी कि बनाई है, उसका भी लिंक मैं इसी में दे दूंगी, ठीक है। तो उसे भी आप देख के और अपने गठिया बाई बादी का दर्द, गैस का दर्द खत्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए और भी एक दो लिंक डाल सकती हूँ जिसमें आपको लगे जो भी लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।